आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे वो औरत विपुल को पहचान लेती है और नंदिनी ये चीज देख के तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे दर्श और राजवी भी आ जाते हैं। दर्श नंदिनी के पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पे नंदिनी बताती है कि ये माँ जी ना विपुल पापा को पहचान ली है। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद जो दर्श है वो तो खुश होता है पर राजवी को अच्छा नहीं लगता है। तभी यहाँ पे दर्श कहता है कि जब इनको ये बात याद है तो उन्हें अपने बारे में भी कुछ ना कुछ याद होगा, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि आपको अपने पति के बारे में, आपके बच्चे कौन है, ये सब पता है कि नहीं। तो यहाँ पे औरत फिर से विपुल विपुल का ही नाम लेती है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे राजवी और विपुल ये दोनों को बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो राजवी है वो अपने फोन से किसी तरह का आवाज निकालने लगती है, जिसकी वजह से ये जो औरत है वो डरने लगती है। यहाँ पे वो आवाज सुनने से बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और नंदिनी से संभाल रही होती है। तभी राजवी यहाँ पे आगे कहती है कि हो सकता है कि बीनी खेल रही हो, उसी के खिलौने की आवाज की वजह से ये सब हो रहा हो। यहाँ पे ये जो औरत है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से दौड़ते हुए भाग रही होती है। वो सीढ़ियों पे आती है और वो बिना देखे ही चल रही होती है। तभी यहाँ पे चांदनी खड़ी होती है, उससे वो टकरा जाती है पर चांदनी को ज्यादा चोट नहीं लगता है। तभी यहाँ पे नंदिनी पूछती है कि चांदनी तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे शोभित चांदनी से कहता है कि तुम सच बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ ठीक हूँ, पर वो काफी ज्यादा गुस्से में ही होती है। तभी यहाँ पे नंदिनी उस औरत के पास आ जाती है, उन्हें समझाने लगती है। और इधर जो चांदनी है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और शोभित उसे पानी देता है, तो यहाँ पे वो पानी लेकर फेंक देती है। तभी यहाँ पे राजवी नंदिनी सब लोग आते हैं, तो यहाँ पे सब लोग समझा रहे होते हैं कि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, इसी वजह से ये हो गया है गलती से। पर यहाँ पे चांदनी नंदिनी को बहुत बुरी तरह से कुछ कुछ कह देती है। वो कहती है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो ना, इसीलिए अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ ना वो तुम कभी नहीं कर सकती हो। ये सुनने के बाद नंदिनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पे राजवी और चांदनी से कहती है कि तुम नंदिनी से माफ़ी मांगो। तभी वो माफ़ी मांग लेती है और यहाँ पे नंदिनी भी कहती है कि क्या हुआ अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो, लेकिन दूसरे की महसूस में समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे वो माफी मांगती है। उसके बाद यहाँ पे जो चार्मी है वो कुछ कुछ कहने लगती है, जिसकी वजह से राजवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसे इस दुनिया में बहुत सारी माँ है जो अपने कोख में बच्चा नहीं रखती है फिर भी उसे पाल पोस के बड़ा करती है। तो यहाँ पे ये सुन ये बोल रही होती है, सब कुछ सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है पर कोई कुछ कहता नहीं है। और वो ये बात कहते कहते यहाँ से चली जाती है राजवी। तभी आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे दर्श और नंदिनी सोच रहे होते हैं कि माँ ने इस तरीके से क्यों बात की, आखिर बात क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों को समझ में नहीं आता। तभी दर्श के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें उन्हें एक कोई जो पागलखाना का एक इंस्टीट्यूट है वहीं पे जाके देना होगा उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। पर यहाँ पे दर्श और नंदिनी कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहीं पे रहकर हम लोग को उनका देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पापा कुछ कह नहीं पाते हैं। तभी आगे दिखाया जाता है कि दर्श आते हैं अपनी मतलब उस माँ जी के रूम में, तो देखता है कि ये जो माँ है वो ऐसी ही सोई हुई है। तो वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और तभी यहाँ पे राजवी भी आती है और राजवी पता नहीं घबरा जाती है। तभी वो दर्श को आवाज़ लगाती है, तो यहाँ पे वो माँ जी ना दर्श को अपना हाथ पकड़ लेती है। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि क्या हुआ माँ, ये तो बस मेरा हाथ ही पकड़ी है। तो यहाँ पे राजवी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। यहाँ पे राजवी विपुल और उसके पापा सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, किसी सबको ऐसा डर लग रहा है कि कोई सच जो है वो कहीं बाहर ना जाए। तभी यहाँ पे राजवी तो चली जाती है, नंदिनी आती है और नंदिनी माँ जी को संभालने लगती है। तभी यहाँ से दर्श भी गुस्से हुआ चले जाते हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे यही सब होता है। उसके बाद जो ये माँ जी है ये भी पूरे घर में सी घूम रही होती है, तो उनके माथे में ना एक डब्बा जैसा कुछ लग जाता है। तो नंदिनी उन्हें बैठा कर उन्हें निकालती है और सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं। फिर यहाँ पे नंदिनी माँ जी को रूम में लेकर आती है और वो कहती है कि आपने ये चप्पल पहनकर ही घूमना। तो यहाँ पे वो कहती है तो वो समझ जाती है और वो भी ये बार बार कह कह के कहती है कि हाँ मैं चप्पल मुझे पहनना है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो बेड पे लेट जाती है। तभी नंदिनी देखती है कि उनका जो साड़ी है उस पे एक चीज का मार्क बना हुआ है। तो नंदिनी सोचती है कि ये मार्क किस इंस्टीट्यूट का होगा। तो अभी यहाँ पे नंदिनी को ये मार्क के बारे में पता चला तो वो पता कर ही लेगी कि आखिर ये कहाँ रहती है और इनका घर कहाँ पे है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।